हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द टेस्ट टेल पे। रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे कोकोनट बर्फी जो भारतीय फ्लैग को रिजेंबल करेगा। ये बर्फी खाने में तो टेस्टी होगी ही और दिखने में भी सुंदर होगी। तो चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 2 कप कोकोनट पाउडर। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम पर रखिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। दोनों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अभी आप लो पर ही रखिए। आप इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहिए लगातार। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और 2 टेबलस्पून घी। दोनों को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 1 मिनट तक। अब हम इसको 3 कटोरी में इक्वली डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन में हम डालेंगे 1 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर। इसको हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। पहला लेयर हमारा रेडी है। हम तीसरा लेयर तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने डाला है 1 ड्रॉप ऑरेंज फूड कलर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक मोल्ड में हम बटर पेपर लगाएंगे। उसमें हम पहली लेयर तैयार करेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन कलर की लेयर। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरी लेयर डालेंगे वाइट कलर की। इसको भी हम उसी तरह पहले जैसे हमने सेट किया था उसी तरह इसको भी हम सेट कर लेंगे।
अब हम तीसरी लेयर तैयार करेंगे, इसको भी हम ऊपर से वैसे ही सेट कर देंगे। इसको 30 मिनट्स तक हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम फ्रिज से निकालेंगे और बटर पेपर जो इसमें है उसको धीरे से निकालेंगे। धीरे से जो साइड के रफ एजेस है उसको हम काट लेंगे। ऊपर से अब हम इसमें सिल्वर शीट अप्लाई करेंगे। और उसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।